जय हिंद दोस्तों, ज्ञान आश्रम में आप लोग का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मांग चैप्टर को स्टार्ट किया था, जो नाम है मांग और मांग के जो है नियम। उस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को देखा था, मांग को अच्छे तरीके जाना था कि मांग है क्या, और उसके बाद ये भी जाना था मांग के दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग, इसको भी जाना था। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि उन मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से तत्व हैं, या फिर मांग के निर्धारक, ठीक है। इस नाम से हमने वो टॉपिक पढ़ा था, जिसमें व्यक्तिगत मांग के हिसाब से भी देखा था और बाजार मांग के हिसाब से भी देखा था। आज जो है और भी मांग के कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम लोगों को समझना है, जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझ लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर जाके मांग के नियम और बाकी ये जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारी चीज़ों को आपको समझ में आएगा। तो आज वीडियो हो सकता है कि रोज़ के मुकाबले थोड़ा सा छोटा हो, लेकिन है जो है छोटा मोटा चीज़ को हम अलग कर लिए और मेन चीज़ को अलग कर लिए, इसलिए जो है कई पार्ट में इस वीडियो को ले आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। एक साथ अगर ले आएंगे तो शायद समझने में आपको दिक्कत हो जाएगा, इसलिए जो हमने सोचा था कि मैराथन के तौर पर ले चलें, वो थोड़ा छोटा इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो बात करते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने मांग वगैरह अच्छे तरीके से जान लिया, उसके निर्धारक जान लिया, तो आज का हमारा जो हेडिंग है उसकी शुरुआत होता है मांग फलन से, ठीक है। उस हेडिंग की शुरुआत होता है मांग फलन, कि मांग फलन क्या है, डिमांड फंक्शन क्या है, इससे हमारी शुरुआत होता है। और ये सारे क्वेश्चन जो भी आज के टॉपिक में होने वाले हैं, ये सब आपको वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। जितने भी टॉपिक अभी आ जाएं सब वेरी शॉर्ट वाले हैं, लॉन्ग वाले कोई भी नहीं है, या जो है शॉर्ट वाले भी कोई नहीं है। बाय चांस शॉर्ट में पूछ दिया तो वो आपकी किस्मत है, आपको पूरा नंबर, अच्छा खासा नंबर दे जाएगा, लेकिन जनरली वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है और एमसीक्यू टाइप में चीज़ों को जो है ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। तो बढ़िया से समझेंगे, जो भी पहली बार चैनल पर है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर ले, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो लाइक एंड शेयर जो है जरूर करें, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग इससे करते हैं तो आपको तो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, लेकिन हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है काम को करने को लेकर, इसलिए जो है लाइक एंड शेयर जरूर। तो बात करते हैं क्या है मांग फलन, ठीक है। मांग फलन किसे कहते हैं, बढ़िया से समझिए। आपने इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में देखा था मांग के निर्धारक, है ना बात। मांग के निर्धारक में आपने अच्छे तरीके से देखा था कि ऐसे बहुत से तत्व होते हैं, ऐसे बहुत से घटक, बहुत से कारक होते हैं जो हमारा डिमांड जो होता है उसको सीधे सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। जो किसी भी वस्तु की जो मांग होता है, डिमांड होता है, उसको सीधे सीधे प्रभावित करता है। जैसे हम केवल एक लौता एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं, जैसे एक जो है वस्तु की कीमत, है ना बात। आपने जो है पिछले बार हमने समझाया था कि जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो हमें वो वस्तु महंगा लगने लगता है, तो हम क्या करते हैं उस वस्तु को कम खरीदने लगते हैं, जिसके वजह से डिमांड जो होता है घट जाता है, ठीक बात। और जब वस्तु सस्ता हो जाता है, यानी उसकी कीमत घट जाती है, तो हमें वो सस्ता लगने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है डिमांड बढ़ जाता है। ये बात हमने आपको पिछले बार में भी समझाया था, है ना, अच्छे तरीके से। तो मांग के निर्धारक जो होते हैं यही होते हैं, जो तत्व मांग को प्रभावित करते हैं, ठीक बात। तो ये बात हम क्यों वापस से याद दिला रहे हैं, क्योंकि मांग फलन ना, मांग फलन इनके बीच के रिलेशन को ही कहा जाता है। मांग फलन का मतलब होता है जो मांग के निर्धारक वाले तत्व हैं, जैसे कीमत हुआ, संबंधित वस्तु की कीमत जो है, कीमत हुआ, एक पहला वस्तु की कीमत, दूसरा संबंधित वस्तु की कीमत, फिर उपभोक्ता की आय हुआ, उपभोक्ता की रुचि हुआ, ये जितने भी तत्व हैं जो हमारे मांग को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, उनका और मांग का आपस में किस तरह से संबंध है, इसी संबंध को ही मांग फलन कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन में भी आपको यही मिलेगा, लिखा क्या है, मांग फलन से आशय है उस फलनात्मक संबंध से है। फलनात्मक संबंध का वही मतलब कि रिलेशन आपस में, फलनात्मक मतलब ये घटेगा बढ़ेगा तो उस पर क्या रिएक्शन मिलेगा। जैसे आपने देखा कि कीमत बढ़ा और मांग घटा, तो ये संबंध क्या है, फलनात्मक संबंध है, ठीक है। कीमत घटा तो मांग बढ़ा, ये कैसा संबंध है, फलनात्मक संबंध है, ठीक है। तो उस फलनात्मक संबंध से है जो किसी वस्तु की मांग तथा उसको प्रभावित करने वाले कारकों के मध्य संबंध बताती है। तो हमने तो यही बताया ना कि मांग फलन क्या है, वस्तु की मांग, जो भी कोई भी फला वस्तु आप ले लीजिए, कोई भी अपने दिमाग से कोई भी जो है वस्तु ले लीजिए, उस वस्तु की मांग जो है मार्केट में है, वो मांग वो किससे प्रभावित हो रहा है, उस तत्व और उस मांग, इन दोनों के बीच के संबंध को ही मांग फलन कहते हैं। बड़ा सिंपल सी बात है, अर्थात मांग फलन इस बात का पता लगाती है कि, ठीक है, मांग फलन क्या लगाता है पता है, मांग फलन इस बात का पता लगाती है कि कौन कौन से तत्व मांग को निर्धारित करती है, ऐसा कौन कौन सा तत्व है, कौन कौन से निर्धारक है, कौन कौन से जो है कारक है, कौन कौन से घटक है जो मांग को क्या करती है, जो मांग को प्रभावित करती है, मांग को निर्धारित करती है। तो इस हिसाब से हमारा मांग फलन जो है ना वो कितने प्रकार का होता है, यह मतलब क्या, यह मतलब मांग फलन, ठीक है। मांग फलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, कौन कौन सा, सबसे पहला नाम है व्यक्तिगत मांग फलन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा है बाजार मांग फलन, यानी मार्केट डिमांड फंक्शन, ठीक है। अब बात करते हैं हम व्यक्तिगत मांग फलन का, जानते ही हैं आपने हर चीज को, अब इसी दो तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, क्योंकि मांग दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत एक बाजार। तो इसी तरह मांग से रिलेटेड बाकी जितने भी चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सब आपको दो ही प्रकार का मिलेगा, एक व्यक्तिगत के तौर पे, एक बाजार के तौर पे। तो मांग फलन भी हमारे दो प्रकार के होंगे, व्यक्तिगत मांग फलन, दूसरा बाजार मांग फलन। तो व्यक्तिगत मांग फलन क्या होगा, तो व्यक्तिगत मांग फलन जो व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं उनके बीच का संबंध, यही यहाँ पर है। तो देखिए लिखा क्या है, व्यक्तिगत मांग फलन बाजार में किसी एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत मांग इंडिविजुअली एक उपभोक्ता की बात करता है, तो किसी एक उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की मांग तथा उसको निर्धारित करने वाले कारकों के मध्य संबंध को प्रकट करता है, ठीक है। एक उपभोक्ता हम,
ठीक है, हमने किसी वस्तु को लिया अपने एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, हमारे और उस वस्तु की मांग, जैसे मान लीजिए कि हमने रखा सेब को, तो हम कितना सेब खरीदेंगे वो हम उसका मांग है, ठीक है। अब हम उस सेब की मांग को कितना खरीदेंगे ये किस पे निर्भर करता है, वही क्या होगा, वही हमारा व्यक्तिगत मांग फलन होगा, ठीक है। तो एक एक उपभोक्ता का जो है उस वस्तु की मांग और उसके कीमत के आधार पे जो मांग फलन बनता है वो व्यक्तिगत मांग फलन होता है। और इसका सूत्र देखिए, dx यानी डिमांड ऑफ x, ठीक है, dx यानी क्या हो गया, डिमांड ऑफ x। तो x क्या है इसमें, डिमांड ऑफ x जो है वो एक कॉमोडिटी है, ठीक है, एक प्रोडक्ट है, बात समझ में आया, एक कोई प्रोडक्ट है जिसे जो है एक उपभोक्ता इसे कंज्यूम करेगा, ठीक है, बात समझे। तो dx का सेंस ही हो गया, बात क्लियर है। और उसके बाद dx बराबर क्या हो जाता है, तो dx बराबर हो जाता है f, ठीक है, dx बराबर क्या हो जाता है f। अब यहाँ पर f जो है ना थोड़ा सा बड़ा वाला बनाइएगा, ठीक बात, हम इसको वापस से ऐसे करके लिख दे रहे हैं, कैसे सूत्र आपको कॉपी में लिखना है उस तरह से। तो dx बराबर हो गया हमारा, dx ऐसे लिखेगा, हम इस सूत्र को जो है थोड़ा सा रिटर्न लैंग्वेज में लिख दें क्योंकि यहाँ पर जो है टाइपिंग में थोड़ा अनबंड है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे dx, x छोटा लिखेंगे, ठीक है, बराबर f बड़ा लिखना है, फिर ब्रैकेट ले लेना है, ब्रैकेट में लिखना है px, px का सेंस हो गया प्राइस ऑफ x, ठीक है, यानी x वस्तु की कीमत प्रभावित करता है ना, कीमत आप जाने हैं कि कीमत जो है बढ़ता है तो मांग घटता है, कीमत घटता है तो मांग बढ़ता है, तो प्राइस ऑफ x ये प्रभावित करने वाले हैं, कॉमा, ठीक है, कॉमा क्यों लगा है, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें प्रभावित करता है, तो कॉमा pr, pr का मतलब है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। रिलेटिव गुड्स कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का, संबंधित वस्तुएं, हमने कल बताया था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, संबंधित वस्तुएं कौन कौन सा होता है, संबंधित वस्तु में सबसे पहला वस्तु कौन सा होता है, सबसे पहला वस्तु होता है हमारा स्थानापन वस्तु, फिर दूसरा वस्तु कौन सा होता है, दूसरा वस्तु होता है हमारा पूरक वस्तु, उसके भी कीमत जो है मांग को प्रभावित करते हैं ना, तो वो भी हमारे जो है मांग फलन में आएगा। फिर उसके बाद क्या है, वाई, वाई क्या है, वाई है हमारा उपभोक्ता की आय, भाई आपकी आय जो है आपकी इनकम ये भी तो डिपेंड करता है ना, इससे भी जो मांग प्रभावित होता है, ये क्या होता है, अगर आय बढ़ता है तो हम लोग मांग जनरली बढ़ा देते हैं और आय घटता है तो मांग हम लोग जो है घटा देते हैं, इस प्रकार का, तो उससे भी प्रभावित होता है। और उसके बाद जो है टी, टी यानी क्या है, टी यानी टेस्ट, उपभोक्ता की रुचि, टी का मतलब क्या है, टेस्ट यानी उपभोक्ता की रुचि, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, जाहिर सी बात है जिस चीज़ में आपका टेस्ट होगा आप वही चीज़ लेंगे, आपका जैसा टेस्ट होगा आप उसी प्रकार की चीज़ों को पसंद करेंगे, अगर आपका जो है किसी चीज़ में रुचि नहीं, किसी चीज़ में आपका टेस्ट नहीं, तो वो चीज़ क्यों आप पसंद करेंगे। अब आपको कभी जो है आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद ही नहीं है, तो आप क्या कुर्ता पजामा धोती कुर्ता ये सब चीज़ें कभी खरीदेंगे क्या, बिल्कुल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि वो आपके टेस्ट का नहीं है। लेकिन अगर आपको वो बहुत अच्छा लगता है तो फिर आप उसकी जो है ज़रूर खरीदेंगे, उसे जो है ज़रूर यूज़ करेंगे, ज़रूर पहनेंगे, है ना बात, तो उससे भी मांग जो है प्रभावित होता है। तो ये हमारा व्यक्तिगत मांग फलन का जो है सूत्र है, और ये अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब ये सूत्र जो है ना इसको अलग अलग तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जितने कंपोनेंट्स हैं उन सबको अलग अलग भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जाता है dx बराबर फलनाशन, ये f जो है ना वो फंक्शनल रिलेशन को डिनोट करता है, ठीक है, फंक्शनल रिलेशन px, ये भी हो सकता है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, एक एक चीज़ को लेकर भी हम लिख सकते हैं, f हो जाएगा pr हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह f और py हो जाएगा, मतलब f और y हो जाएगा, f और t हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा ये चार सूत्रों को मिलाकर के एक सूत्र है, समझे बात। ऑप्शनल में अक्सर ऐसे करके भी दिया रहता है कि ये सही है कि नहीं, तो लगता है कि यही वाला याद किया रहता है तो लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं, इन सबको अलग अलग भी करके बताया जा सकता है, ठीक है, ये सब व्यक्तिगत मांग के निर्धारक हैं, बात समझ में आ गया, क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा है हमारा बाजार मांग, ठीक है, बाजार मांग फलन। अब बाजार मांग फलन क्या होगा, बाजार मांग फलन अभी तो एक उपभोक्ता की बात हो रहा है ना, अब बाजार के सभी उपभोक्ता की बात होगा, यानी बाजार मांग और उसको प्रभावित करने वाले घटकों के बीच का रिलेशन जो है बाजार मांग फलन है, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा होगा कि बाजार मांग फलन से फलन किसी वस्तु की बाजार मांग, ठीक है, किसी एक वस्तु होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि हम लोग माइक्रो पढ़ रहे थे, एक एक वस्तु की बात कर रहे हैं, किसी एक वस्तु की बाजार मांग तथा उसके विभिन्न निर्धारकों, निर्धारकों मतलब उसको जो भी उसके मांग को प्रभावित करने वाले घटक है वो, ठीक है, के मध्य संबंध है, ठीक है, कि मध्य संबंध है, यानी उसी को बताता है बाजार मांग। अब यहाँ पर देखिए, आपको ये बात पता ही होगा बाजार का निर्माण किससे होता है, बाजार अगर बात होता है तो बाजार में भी तो भाई एक एक उपभोक्ता होता है ना बात, यानी कई उपभोक्ता मिलकर के बाजार मांग का निर्धारण करते हैं, और वहाँ पर जितने भी उपभोक्ता हैं सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत मांग है, अगर उन व्यक्तिगत मांग को जोड़ दिया जाए एक साथ तो वही तो बाजार मांग बनेगा, है ना बात, समझ रहे हैं ना, एक बाजार है यहाँ पर जो है केवल एक उपभोक्ता है, तो वहाँ पर व्यक्तिगत मांग बाजार मांग एक ही हो जाएगा, लेकिन एक बाजार है जहाँ पर जो है उपभोक्ता जो है दस टू हैं, तो उन सारे दसों लोग का अलग अलग व्यक्तिगत मांग भी होगा, और उन दसों मांगों को एक साथ जोड़ दिया जाए तो वही क्या होगा, वही बाजार मांग होगा, है ना बात समझ में आया। तो बाजार मांग ऑटोमेटिकली व्यक्तिगत मांग का ही जो है वो योग है, ठीक है। तो वो किन चीज़ों से प्रभावित होता है, तो पहली बात ये बात एकदम फिक्स समझिएगा कि बाजार मांग पूरी तरह से व्यक्तिगत मांग से जो है प्रभावित होता ही है, ठीक है। तो इसीलिए इस फॉर्मूला में देखिए, इस फॉर्मूला को जो है हम रिटर्न लैंग्वेज में लिख देते हैं, कैसे लिखना है, dx बराबर हो जाएगा फंक्शनल रिलेशन px, ऊपर वाले का एकदम सेम टू सेम हो जाएगा pr, ठीक है, y t, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला हो गया, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब हमारे किसका है, व्यक्तिगत मांग के हो गया, ठीक है, व्यक्तिगत मांग वाले घटक हो गए। उसके अलावा जो है yd, ठीक है,
वाई डी का सेंस क्या है? राष्ट्रीय आय का वितरण। वाई जो है आय को डिनोट करता है, डी यानी डिस्ट्रीब्यूशन यानी आय का वितरण, ठीक है। और आय किस चीज का, किस आय का वितरण? राष्ट्रीय आय का वितरण। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया मांग होगा। अगर आप ऐसा राष्ट्रीय आय का वितरण करके सबके पास जो है पैसा ठीक ठाक जा रहा है, सबके पास बढ़िया से जाए, तो मांग अच्छा होगा। लेकिन राष्ट्रीय आय का वितरण जो है विविध तरीके से, यानी बहुत गरीब भी लोग हैं और बहुत अमीर भी लोग हैं अगर देश में, तो उस देश की मांग जो है विविध प्रकार की होगी, यानी एक वस्तु की मांग ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि भाई अलग अलग वर्ग के लोग रहेंगे तो अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग प्रकार की वस्तु की मांग करते हैं ना, इस प्रकार से। तो राष्ट्रीय आय जितना अच्छा रहता है उतना मांग ज्यादा बढ़िया होता है। जितना राष्ट्रीय आय का वितरण जो है असमान होता है, बेकार होता है, उतना ही राष्ट्रीय आय का जो है मतलब उतना ही वस्तु की मांग जो होता है कम हो जाता है, ठीक है। तो इस पे भी डिनोट करता है। और फिर इसके बाद एक पी भी होगा, यहाँ पे छूट गया है, इस वाले फॉर्मूला में पी छूटा भी है, अच्छा यहाँ पे पी है पहले, ठीक है पी है, तो पी भी होगा। तो पी क्या है? पी का मतलब पॉपुलेशन, यहाँ पे पी मतलब प्राइस नहीं है, पी का मतलब पॉपुलेशन, जनसंख्या। जनसंख्या से भी तो फर्क पड़ता है, आपने कल ही देखा था, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बाजार मांग के निर्धारक कौन कौन से, उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से घटक है, तो उसमें आपने देखा था कि उसमें जनसंख्या भी था ना, तो जनसंख्या भी जो है मांग को प्रभावित करती है, हमने कल इसको समझाया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मांग फलन, बढ़िया समझ में आया। मांग फलन क्या है? मांग फलन मांग के निर्धारक तथा वस्तु की मांग के बीच का संबंध है, ठीक है, दोनों प्रकार का आपने देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है, वो है हमारा मांग सारणी या अनुसूची या तालिका, ठीक है, इसे आप कितने भी नाम से बोलिए, बात वही है, मांग सारणी या अनुसूची या तालिका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, समझे। यानी हम लोग इसे जो है डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिमांड शेड्यूल, स्केड्यूल भी पढ़ा जाता है इसको, या तो डिमांड टेबल, ठीक है, या तो डिमांड टेबल, इस नाम से जो है इसको हम लोग जानते हैं। क्या क्या चीज़ें इसमें, तो देखिए ये होता क्या, एक्चुअल में मांग सारणी क्या होता है, ये मांग के बारे में बताता है। हम लोग मांग किस हिसाब से करते हैं, तो जनरली हम लोग कीमत के हिसाब से लेते हैं, तो मांग सारणी क्या करता है, कीमत तथा मांग, ठीक है, वस्तु की परिवर्तित होती हुई कीमत तथा वस्तु की परिवर्तित मांग का एक जो है सारणी बना दिया जाता है, कि एक उपभोक्ता विभिन्न विभिन्न कीमतों पे कितने प्रकार से कितने कितने तरह से मांग कर रहा है, तो उसी को जब सारणी बना दिया जाता है, उसी का जब टेबल दिया जाता है, तो वही हमारा मांग सारणी होता है। तो इसी चीज़ को देखिए कैसे बताया गया, एकदम आसान शब्दों में, मांग सारणी वह तालिका है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की मांग की गई मात्रा को बताती है, ठीक है। मांग सारणी एक ऐसी तालिका है जो देखिए जो विभिन्न कीमतों पर, ये क्या है, ये कीमत है ना बात, ये क्या है हमारा, ये हमारा जो है कीमत है, ठीक है, ये देखिए सेब की कीमत प्रति किलो में है ना बात, रुपए में लिखा है ना, तो ये हमारा जो है विभिन्न कीमत 10 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, ये कीमत हो गया। और फिर क्या है, राम की, राम एक व्यक्ति है यानी व्यक्तिगत मांग की बात हो रहा है, राम की सेब की मांग किलो में, ठीक है, यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर 16 हो गया, तो 10 रुपये में 4 किलो, 8 रुपये में 6 किलो, 6 रुपये में 10 किलो, 4 रुपये में 16 किलो, तो अलग अलग कीमतों में अलग अलग मांग कर रहा है ना, यही हमारा क्या है, यही हमारा जो है यहाँ पर जो है मांग सारणी है, ठीक बात। तो यही यहाँ पर दर्शाया भी गया कि मांग सारणी क्या है, विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की मांगी हुई मात्रा है, अर्थात एक ऐसा सारणी जो यह प्रदर्शित करता है कि किसी विशेष समय पर उपलब्ध बाजार में विभिन्न मूल्यों पर वस्तु की कितनी मांग मात्रा की मांग उपभोक्ता के द्वारा किया जाता है, उसे ही मांग सारणी कहते हैं, ठीक है। तो ये मांग सारणी क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक उपभोक्ता जो है या बाजार में उपस्थित सभी उपभोक्ता जो है जो वस्तु की जो कीमत बन रही है उस कीमत के अनुसार वो किस प्रकार से मात्रा में उस वस्तु की मांग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को प्रदर्शित करने वाला सारणी ही मांग सारणी कहलाता है, सिंपल सी बात है। और यह भी दो प्रकार का होगा, सिंपल सी है, हर चीज़ दो प्रकार का होगा, वही व्यक्तिगत और बाजार के हिसाब से। तो यह भी दो प्रकार का होगा, पहला हो गया इसमें व्यक्तिगत मांग सारणी यानी इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, फिर दूसरा हो गया हमारा बाजार मांग सारणी यानी मार्केट डिमांड शेड्यूल। तो पहला हमारा इंडिविजुअल की बात होगा, व्यक्तिगत की, व्यक्तिगत में क्या होगा, एक उपभोक्ता की बात होगा, उसके हिसाब से चीजें चलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि व्यक्तिगत मांग सारणी वह तालिका है जो विभिन्न मूल्यों पर किसी एक उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी गई मात्रा को बताती है, ठीक है। विभिन्न कीमत पर वस्तु की मांगी गई मात्रा को बता रहा है, वो व्यक्तिगत मांग सारणी है। जैसे यहाँ पर राम की मांग सारणी बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि राम का जो है मांग बता रहा है। अच्छा, इस सारणी को इस तरीके से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, ठीक है, ये वस्तु का कीमत हो गया, ये वस्तु का जो है मात्रा हो गया। ऐसे भी फॉर्मेट में आप बना सकते हैं, वस्तु का कीमत 10 रुपया था तो मांग कितना था 8, ठीक है। वस्तु का कीमत जो है 8 रुपया हो गया तो मांग कितना हो गया 6, वस्तु का कीमत जो है 6 रुपया हो गया तो मांग कितना हो गया 10। तो ऐसे शेप में भी बना सकते हैं, लंबे में भी, ठीक है, वर्टिकल भी बन सकता है और सोए हुए क्षैतिज रूप में यानी हॉरिजॉन्टल भी बन सकता है, दोनों तरीके से बन सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप जो है इसी तरह से बनाए। मेन इसमें क्या होना चाहिए, मेन इसमें कीमत और मांगी गई मात्रा का जो है प्रदर्शन हो, वही उसमें लिखा जाए, ठीक है, तो वो मांग सारणी हो जाएगा। बात क्लियर, ठीक, बात समझ में आ गया, ये मांग सारणी हो गया। नेक्स्ट, और भी कौन सा मांग सारणी है, ये व्यक्तिगत मांग सारणी है राम का। नेक्स्ट हम लोग दूसरा बात करते हैं बाजार मांग सारणी, ठीक है, ये हो गया हमारे पास बाजार मांग सारणी। क्या लिखा है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर
समूचे बाजार की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, समूचे बाजार की उपभोक्ता, ठीक है, समूचे बाजार की उपभोक्ताओं की मांग बताने वाली सारणी को बाजार मांग सारणी कहते हैं। तो इसमें जो भी होगा, इसमें पूरे इस बाजार के जितने भी उपभोक्ता हैं उन सबकी बात किया जा रहा है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर हम दो उपभोक्ता को मान लेते हैं, बाजार में दो उपभोक्ता है, वैसे तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर दो उपभोक्ता मान लेना, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये हमारा जो सेब है उसकी जो है कीमत हो गया रुपए में, ठीक बात, और यहाँ पर दूसरे वाले में जो है राम की सेब की मांग हो गया, ठीक है, और यहाँ पर श्याम की सेब की मांग हो गया, ये दोनों किलो में इसका मांग कर रहे हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर हो गया बाजार मांग, वो भी किलो में। अब समझिए बात कैसे हो रहा है, ये एक दो तीन से हम लोग को उतना मतलब नहीं है समझाने के लिए, बस कॉलम टाइप दिया है। यहाँ से समझिए, दस रुपये जब सेब की कीमत था तो राम ने जो है चार मांग किया, ठीक है, चार किलो सेब मांगा, और यही दस रुपये कीमत पे जो है श्याम ने कितना मांगा, दो किलो मांगा, ठीक है। जब सेब की कीमत आठ रुपये हो गया तो राम ने जो है वो छः किलो मांगा, लेकिन ये श्याम ने जो है वो चार किलो मांगा। जब सेब की कीमत छः रुपये हो गया तो राम ने जो है दस किलो मांगा, लेकिन ये श्याम ने जो है आठ किलो मांगा। और जब सेब की कीमत चार रुपये हो गया तो राम ने जो है सोलह किलो मांगा, लेकिन श्याम ने जो है चौदह किलो मांगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी दस रुपये, आठ रुपये, छः रुपये पे इन दोनों के इस प्रकार से मांग चला है। तो अगर एक एक को ले लिया जाए, जैसे इन दोनों को लिया जाए तो ये राम की व्यक्तिगत मांग सारणी हो जाएगा, और इन दोनों कॉलम को ले लिया जाए तो ये श्याम की व्यक्तिगत मांग सारणी हो जाएगा। लेकिन हम बाजार मांग की बात करें तो बाजार मांग क्या होगा, बाजार मांग व्यक्तिगत मांग का यही योग होता है, जो व्यक्तिगत मांग सारणी होता है अगर उसको जोड़ दिया जाए तो वही क्या बनेगा, वही बाजार मांग बनेगा, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे बाजार मांग जो है ना दस रुपए में, ठीक है, दस रुपए में बाजार मांग कितना है, तो दस रुपए के सामने देखिए बाजार मांग क्या है, छह है। कैसे छह आया है, चार जो है राम मांग रहा था, दो जो है श्याम मांग रहा था, चार और दो जोड़ दिया तो छह, छह हमारा जो हो गया वो बाजार मांग होगा दस रुपए में, ठीक है। फिर आठ रुपए में बाजार मांग कितना है, आठ रुपए में बाजार मांग जो है दस है। कैसे दस हुआ, छह मांगा था राम ने, चार मांगा था श्याम ने, कुल मिलाकर जो है दस हो गया, ठीक है। फिर इसी तरह जो है छह रुपए में कितना है, तो छह रुपए में जो है दस हो गया राम का, आठ हो गया श्याम का, दोनों जोड़ दिया दस और आठ, तो हमारा हो गया अठारह, ये बाजार मांग का हो गया। और उसी तरह फिर हमारा चार रुपए में कितना है, तो सोलह हो गया इसका, चौदह हो गया इसका, दोनों को जोड़ दिया तो तीस हो गया हमारा बाजार मांग, ठीक है। तो ये जो है इसको ले लिया जाए और इसको ले लिया जाए तो ये हमारा बाजार मांग को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो ये बाजार मांग सारणी हो जाएगा, बात समझ में आया। यानी ओवरऑल बाजार मांग सारणी क्या है, जितने भी बाजार में उपभोक्ता है उन सबका टोटल जोड़ दिया जाए, उन सभी सारणियों को इकट्ठा कर लिया जाए तो हमारा बाजार मांग सारणी पता चल जाएगा, ठीक है। कुल मिला के यही सिंपल सा बात समझना कि बाजार मांग जहां जहां होगा वो व्यक्तिगत मांग का योग ही बनेगा, ठीक। नेक्स्ट बात देखिए, अगली बात हमने यहां तक देख लिया, अब हमारा बात आता है मांग वक्र, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसका जो है डेफिनेशन वगैरह याद रखिएगा, और उसके बाद जो है इसका ग्राफ कैसे बनाया ये भी हम लोग को समझना है। यहाँ पे आपके सामने ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए मांग वक्र क्या होता है, वक्र का मतलब आप पहले समझिएगा, वक्र जब होता है ना, देखिए दो चीज़ें होता है, एक होता है ऐसे करके दो बिंदु है, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, बात समझ में आ रहा है, बिंदु ए और बिंदु बी, जब बिंदु और ए बिंदु बी को मिलाया जाता है ना, ठीक है, कैसे भी मिलाया जाए, जैसे ये मिल गया, ठीक। तो जब भी दो बिंदु को आपस में जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है, तो उससे जो बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेखा यानी लाइन, ठीक है, बात समझे, रेखा यानी लाइन बन कहते हैं, बात समझ में आया, ये बात क्लियर है। अगर ये बिंदु ए और बिंदु बी अगर एकदम सबसे छोटे पाथ में मिलता है, यानी एकदम सीधा मिलता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एकदम सीधा मिला है, सबसे छोटा पाथ यही बनेगा ना, इससे ज़्यादा छोटा तो कुछ हो नहीं सकता है इन दोनों को मिलाने के लिए, तो सबसे छोटा जब रास्ता इसका बनता है, सबसे छोटा पाथ बनता है, तो ये जो होता है ना इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, रेखा तो है लेकिन रेखा में भी कौन सा रेखा है, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, बात समझ में आया। और जब इसी बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने के लिए हम लोग जो है दूसरा कोई रास्ता चयन करते हैं, यानी सबसे छोटा के अलावा कोई और तरीके से घूम करके फिर करके या किधर से भी आते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे अब जो है इस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ चला गया भाई, इस प्रकार से आ रहे हैं, तो जब हमारा इस तरीके से हम थोड़ा लंबा रास्ता लेते हैं या थोड़ा मोड़ा घूम फिर के आते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं वक्र रेखा, क्या कहते हैं, वक्र रेखा, ठीक है, यानी कर्व, बात समझ में आया। तो कर्व क्या है, कर्व जो है वो कैसा लाइन है, टेढ़ा मेढ़ा जो लाइन होता है उसे हम लोग कर्व कहते हैं, है ना बात, उसे हम लोग वक्र कहते हैं, और जब वो सीधा सीधा होता है तो उसे हम लोग सरल रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या लिखा है, मांग वक्र मिल लिखा है, तो मांग वक्र कैसा होगा, जाहिर सी बात है वो सीधा नहीं होगा, वो बल्कि कुछ घुमावदार होगा, उसमें कुछ ना कुछ घूमना जरूर होगा, ठीक है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा जरूर होगा, है ना बात समझे। तो यहाँ पर हम लोग जब डिमांड जो है कर्व की बात कर रहे हैं, यानी मांग वक्र की बात कर रहे हैं, तो वो है क्या, देखिए पढ़िए अच्छे तरीके से, लिखा है जब किसी वस्तु की विभिन्न मांगी गई मात्राओं को और उनसे संबंधित मूल्यों को रेखा चित्र में प्रदर्शित किया जाता है तो इनसे निर्मित रेखा ही मांग वक्र कहलाती है, ठीक है। रेखा वर्ड बोल दिया क्योंकि हमने बताया ना वक्र भी रेखा है, बस वो कैसा रेखा है, वक्र रेखा है, टेढ़ा रेखा है,
बात समझे, रेखा का ही वो भी एक प्रकार है। ठीक, तो ये किसका बोल रहा है, कैसे मांग वक्र बनता है, क्या होता है? तो बोला है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी गई मात्रा जब इनको प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 10 रुपये में कितना था यार, एक ले लेते हैं, 10 रुपये में हमारा जो है राम जो है 4 मांग रहा था, फिर 8 रुपये में 6 मांग रहा था ना, तो 10 रुपये में जो है राम जो है 8 मांगा, फिर 4 जो है 10 के बाद 8 रुपये में जो है वो 6 मांगा, ठीक है। अरे यार 6 नहीं मांगेगा, गड़बड़ा गया, 10 रुपये में 4 था, 8 रुपये में 6 था, 10 रुपये में 4, 8 रुपये में 6, उल्टा कर दिया हमने ना, 10 रुपये में जो है 4 मांगा था, 8 रुपये में 6 मांगा था, इस प्रकार से बाकी भी चीज़ें थी, ठीक है। तो यही समझना है कि जो हमारा इस तरह से ये मांग बन रहा है ना, कि इतना रुपये में इतना, इतना रुपये में उतना, इतना रुपये में ऐसे, ये जो आ रहा है, अब इसी को जब रेखा चित्रों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, यानी ग्राफ में डाल दिया जाए इस चीज़ को, तो ग्राफ में जब इस चीज़ को रखा जाएगा तो उसमें जो रेखा बनकर आएगा उसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, मांग वक्र कहेंगे, समझे। मांग वक्र का सेंस क्या हो, मांग वक्र का सीधा सीधा सेंस होता है कि मूल्य और मांग इन दोनों को प्रदर्शित किया जाए रेखा चित्र में, तो मांग रेखा बन जाएगा, ठीक है। अब इसी को देखिए आसान शब्दों में, और भी तरीका है, आसान शब्दों में क्या बोला गया, आसान शब्दों में, ठीक है, आसान शब्दों में मांग, मांग सारणी का, ठीक है, मांग सारणी का रेखा चित्र के द्वारा प्रस्तुतिकरण ही मांग वक्र कहलाती है। अब ये क्या मतलब है, जो मांग सारणी है उसी का अगर हम रेखा चित्र में प्रदर्शित कर दें तो वही मांग वक्र बन जाएगा, क्यों, क्योंकि मांग सारणी में भी क्या लिखा जाता है, मांग सारणी में भी तो मूल्य और वस्तु की मांगी गई मात्रा लिखा जाता है, और मांग रेखा जब बनता है तो उसमें भी वो क्या प्रदर्शित करता है, वस्तु का मूल्य और उसकी मांगी गई मात्रा को ही तो प्रदर्शित करता है, यानी मांग सारणी को ही रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण कहलाता है, वही हमारा मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। यही लाइन यहाँ पर लिखा है, और यह भी कितने प्रकार का होगा, यह भी 2 प्रकार का होगा भाई, सबसे 2 प्रकार का, तो यह भी 2 प्रकार का होगा, कौन कौन सा, वही 2, पहला हो गया व्यक्तिगत मांग वक्र, इंडिविजुअल डिमांड करो, ठीक है, पहला ये हो गया, बात समझ में आया, और दूसरा हमारा हो गया बाजार मांग वक्र, यानी मार्केट डिमांड करो, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत देखेंगे, तो व्यक्तिगत के लिए देखिए मांग सारणी यहाँ पर है, ठीक है, व्यक्तिगत का ये मांग सारणी है, अच्छे तरीके से देख लीजिए क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना कि 10 रुपये में कितना है 4, 8 रुपये में कितना है 6, 6 रुपये में कितना है 10, और 4 रुपये में कितना 16, इसी के हिसाब से वो वक्र बनेगा, ठीक बात, ये व्यक्तिगत वाला, राम वाला ही हम लोग का यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये जो मांग वक्र बना है हमारा, ये राम का मांग वक्र है, देख लीजिए लिखा भी है राम का मांग वक्र, बात समझे, तो कैसे बना है उसी के हिसाब से बनेगा। पहले इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं कि व्यक्तिगत मांग वक्र क्या होता है, जो वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक व्यक्ति की मांग को बताता है उसे व्यक्तिगत मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी वक्र जो क्या करता है, वस्तु की विभिन्न कीमतों पर किसी एक व्यक्ति की, यानी व्यक्तिगत है तो एक ही व्यक्ति होगा, उसकी मांग को बताता है, ठीक है, कीमत और मांग किस एक व्यक्ति का वो बताता है तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है, ठीक है। यह वक्र व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार पर बनाया जाता है, ठीक है। ये जो भी व्यक्तिगत मांग वक्र है वो किसके आधार पर बनेगा, व्यक्तिगत मांग सारणी के आधार पर बनेगा। तो देखिए कैसे बना, ये हमारा जो हो गया वाई वाला लाइन, ठीक बात, ये वाई वाला लाइन जो हो गया ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये प्रदर्शित कर रहा है सेब की कीमत, ठीक है, सेब की कीमत प्रति किलो रुपए में 4 रुपया, 6 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपया, ठीक है, और 12 रुपया, बात समझे, इस तरह से कीमत दिया है। और ये वाला लाइन जो है ये एक्स, ये एक्स की लाइन क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये एक्स की लाइन प्रदर्शित कर रहा है हमारा किस चीज़ को, तो ये बता रहा है राम की सेब की मांग, राम एक व्यक्ति है उसके द्वारा सेब को किस प्रकार से मांगा जाता है, उस मांग को ये प्रदर्शित कर रहा है, ठीक बात समझे। तो हमारे पास इसके पास सारणी था, आपने पढ़ाई है, ये ओ होता है, ओ यानी ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, बात समझे। आप देखिएगा सारणी था, पुराना पीछे करके देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, सारणी आपके पास आई। अब उस सारणी में क्या था कि 10 रुपये जो था ना, तो 10 रुपये में राम जो है 4 मांग कर रहता है, तो 10 रुपये में 4 मांग, ठीक है, तो 10 के सामने और 4 के सामने इस तरह से एक बिंदु लगा दिया, ठीक है, 10 रुपये में 4 मांग हो गया। फिर उसके बाद जो है 8 रुपये में कितना कर रहा था, 8 रुपये में 6 मांग कर रहा था, ठीक है, तो 8 के सामने और 6 के सामने एक बिंदु लगा दिए, 8 रुपये में 6 मांग कर रहा था। फिर उसके बाद क्या कर रहा था, 6 रुपये में 10 मांग कर रहा था, तो 6 के सामने और 10 के सामने एक बिंदु लगा दिए, ठीक है, तो ये इस तरह से मांग कर रहा था। फिर क्या करता, 4 रुपये में 16 मांग कर रहा था, तो 4 के सामने और 16 के सामने एक बिंदु लगा दिए, इस तरह से ये हो गया, ठीक बात समझे। तो इस प्रकार से मांग हो गया। अब इसी बिंदु को ए बी सी डी, इस बिंदु को जब हम लोग मिला देंगे, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ठीक है, तो ये जो इस तरह से घूमता फिरता जो रेखा आया है, इसी रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, राम का मांग वक्र। यही क्या है, यही हमारा जो है डिमांड कर्व है, बात समझ में आया, और किसका डिमांड कर्व है, राम का, ठीक है, तो राम का मांग वक्र यही है, बात समझ में आ गया। मांग वक्र क्या होता है, क्या चीज प्रदर्शित किया है, एक उपभोक्ता यानी राम का विभिन्न कीमतों पर उसके द्वारा मांगी गई मात्रा, वही प्रदर्शित किया है, तो इसीलिए क्या है, व्यक्तिगत मांग वक्र है, ठीक बात, अच्छे से आया। अब इसी तरह हम लोग बाजार मांग वक्र देखेंगे, तो बाजार मांग वक्र का डेफिनेशन यहाँ पे है, देख लीजिए क्या है, जो ये वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर समूचे बाजार की मांग को बताता है, ठीक है, जो वस्तु की विभिन्न कीमतों पर
समूचे बाजार की, पूरा बाजार में जितने लोग हैं उसके मांग की मात्रा को बताता है, तो उसे बाजार मांग वक्र कहते हैं। यह वक्र किसके सहायता से बनेगा? तो यह वक्र बाजार मांग सारणी के आधार पर बनाया जाता है। ठीक है, तो बाजार मांग वक्र सारणी आपने देखा, यहाँ पर बाजार मांग वक्र सारणी है ना, ये तो इन्हीं के आधार पर ये वाला बाजार मांग को लेकर के हम लोग बाजार मांग वक्र बनाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर तीन तीन ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, सबसे पहला वाला ग्राफ जो है राम के लिए है, दूसरा वाला ग्राफ जो है श्याम के लिए। ठीक है, ये राम और श्याम का ये दोनों ग्राफ जो है ना, पहला ग्राफ ये अ वाला यानी ए ग्राफ, ये क्या है, ये राम का व्यक्तिगत मांग वक्र है, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व, बात समझे, ये राम का व्यक्तिगत मांग वक्र है। और ब वाला भी क्या है, ब वाला श्याम का व्यक्तिगत मांग वक्र है, यानी ये भी इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। लेकिन ये स वाला पूरे बाजार की बात कर रहा है। ठीक है, ये बाजार मांग वक्र है, यानी ये जो है क्या करेंगे, मार्केट डिमांड कर्व है, बात समझे, बाजार मांग वक्र है, बात समझ में आया, ये इन दोनों के जोड़ से बना है, समझे बात। जैसे देखिए, सबसे पहले राम वाला तो आपने इससे जस्ट पहले भी देखा था, यहाँ भी देख लीजिए कि 10 रुपये में कितना था, 4 मांगा। ठीक है, 8 रुपये में कितना, 6 मांगा, 6 रुपये में कितना, 10 मांगा, 4 रुपये में कितना, 16 मांगा। ठीक बात समझे, बड़ा अंडबंड बनाया हुआ ये, थोड़ा सा अच्छे से बना लीजिएगा, एकदम सब स्ट्रेट लाइन के तौर पर दिख रहा है, जबकि सबके बीच का अलग अलग अंतर है और गैप जो है बराबर कर दिया है, तो एक गलत ग्राफ बनाया हुआ है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। ये ग्राफ जो है सही वाला ये है, बात समझे, इसमें जो है गैप सही है, इसलिए देखिए ये अच्छा बना है। ये वाला ग्राफ जो है बेकार बनाया, क्यों बेकार बनाया, देखिए इन दोनों के बीच में 2 का गैप है ना, इन दोनों के बीच में 4 का गैप है, लेकिन देखिए बराबर लंबा लेंथ दिख रहा है, और इन दोनों के बीच में 6 का गैप है, लेकिन लेंथ देखिए कैसा है, तो इसलिए नाप के बनता है सही सही तरीके से, तो ये ग्राफ गलत बनाया हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। फिर ये भी देखिए 2, 4, 6, 8 सब जब जो है सबके बीच में जो गैप है, यहाँ पर भी अजीबोगरीब है, तो इसीलिए गलत ग्राफ है, आप लोग बढ़िया से बनाइएगा। राम वक्र, राम का मांग वक्र जो वहाँ पे देखे हैं, सीखे हैं बनाना ना, सेम ऐसे ही बना लीजिएगा। ठीक बात, फिर यहाँ पर जो है श्याम का भी देख लीजिए, तो श्याम का भी जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं बनाया, तो श्याम वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, बढ़िया तरीके से देखते हुए समझते हुए पॉइंट रखते हुए, इसी को लेकर के जो है ना, इसी पॉइंट को लेकर के कहाँ गया यार, यहाँ पर ये हमारा था ना, ये इसी को लेकर के हम लोग वक्र बना लेंगे। चलिए हम छोटा सा यहाँ पर आपको बना के समझा ही देते हैं, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पॉइंट है ही, देख लीजिए कैसे बनेगा, हम आपको बना करके दिखा देते हैं। हम डायरेक्ट बाजार वाला बना रहे हैं, ठीक है, राम और श्याम का आप अलग अलग बना लीजिए, बात समझे, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, बाजार वाले लेकर के बना रहे हैं, बाजार मांग वक्र बना रहे हैं, बात समझे, आप जो है राम और श्याम का अलग अलग बना लेंगे। ठीक है, समझे, तो क्या होना है, कितना कितना दिख रहा है, 6, 10, 8, 18, 30 तक जा रहा है, 30 तक जा रहा है भाई मांग, और ये कितना तक जा रहा है, ये जो रुपए जो है वो जो है 4, 6, 8, 10 तक जा रहा है। ठीक है, तो ये 10 तक जा रहा है, तो पहली बात जो है, और सबके बीच में गैप 2-2 का दिया है ना, तो 2 के हिसाब से इसमें हम जो है पॉइंट काट लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, वो छोटा छोटा ले रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा ले रहे हैं, 5 ही तो लगाना है ना बात, 5 ही लगाना है। ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, ठीक है, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, तो यहाँ पे 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, सब 2-2 के हिसाब से चला गया। ठीक बात, क्लियर है। और यहाँ पर जो वक्र जा रहा है ये 30 तक जा रहा है, अब 30 तक कैसे ले जाया जाए, तो किससे काटा जाए, तो 6-6 के हिसाब से ले जाया जाए, 30 तक ले जाएँ तो 5 पॉइंट में 6-6 के हिसाब से ले जाएँ तो बनेगा, तो 6, ठीक बात, 6, 12, 18, 24, 30, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये 6 पॉइंट के हिसाब से ले जा रहे हैं, अरे यार 18, 24, 30, क्यों अजीबोगरीब चल रहा है यार। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये बन गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब वक्र देखिएगा, ठीक है, वक्र आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 10 रुपये पे कितना पॉइंट है, 6, तो 10 पे 6 मांगेगा, तो 10 और 6 के सामने हम एक बिंदु लगा दिए, समझ में आया, बाजार मांग डायरेक्ट बना रहे हैं, इसलिए बाजार मांग वाला डेटा रख रहे हैं, बाजार मांग वक्र बना रहे हैं ना, तो बाजार मांग सारणी को रख रहे हैं, तो 10 रुपये में 6 हो गया, फिर 8 रुपये में कितना मांग रहा है, 8 रुपये में 10, 8 रुपये में 10, 10 कहाँ आ जाएगा, 6 और 12 के बीच में इधर कहीं आएगा, तो 8 रुपये में 10 में हम कहाँ ले जा रहे हैं, इधर के साइड में ले जा रहे हैं। ठीक है, बात समझे, क्योंकि हम बहुत बड़ा ग्राफ नहीं बनाया, इसलिए छोटा सा ही बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद जो है 6 रुपये में कितना हो रहा है, तो 6 रुपये में 18 हो जा रहा है, तो 6 रुपये में 18 कहाँ जा रहा है, इस जगह पर आ जा रहा है, चलिए 6 और 18 में यहाँ पर हमारा एक पॉइंट बन गया। ठीक बात, क्लियर है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद जो है 4 रुपये में कहाँ जा रहा है, तो 4 रुपये में 30 जा रहा है, तो 4 रुपये में हमारा पूरा 30 तक चला गया, इस जगह पे चला गया। ठीक है, अब इन पॉइंट को जोड़ दीजिए, इस पॉइंट को जोड़िए, तो ये हमारा ऐसे आ गया, ये हमारा जो है ऐसे चला गया, और फिर ये हमारा जो है ऐसे चला गया, तो ये जो हमारा बन के आया ना, यही हमारा क्या है, बाजार मांग वक्र है, समझ में आ गया। तो इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा, एकदम बढ़िया से आपका भी बन के आ जाएगा, तो ये बाजार मांग वक्र हमारा जो है बन गया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको जो है इस तरह से जोड़कर भी आप जो है दिखा सकते हैं, जैसे किताब में जोड़ जोड़ के दिखाया था,
ठीक बात, ठीक ये हो गया बात समझे। तो ये बाजार मांग वक्र हमारा जो है बनके तैयार हो गया, ठीक है समझ में आया। तो यही था हमारा आज का टॉपिक और इसमें जो है क्या निष्कर्ष निकलता है बाजार मांग से, ये ध्यान दीजिए। इसी को हम बनाए हैं, देख रहे हैं लेकिन कितना अंतर है हमारा वाला और इसमें कितना अंतर है, क्योंकि ये क्या किया, ये पूरी तरह से सही लेकर बनाया ही नहीं, सही सही चीज़ों को लेकर के बनाया नहीं, इसलिए जो है अंडरबंड लग रहा है, बात समझे। तो चलिए हम लोग जो है देख लेते हैं आगे क्या बात हो रहा है। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ज़्यादा कुछ बातें नहीं है, जो जो पढ़े हैं वही सबसे रिलेटेड यहाँ पे निष्कर्ष क्या क्या है ध्यान दीजिए। सबसे पहला क्या बोला है कि किसी एक व्यक्तिगत उपभोक्ता की एक वस्तु की मांग को व्यक्तिगत मांग कहते हैं। व्यक्तिगत मांग का मतलब क्या होता है, एक उपभोक्ता की मांग, जो हम लोग कब से जान रहे हैं यही चीज़ को समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, किसी एक वस्तु के लिए बाजार में सभी उपभोक्ताओं की मांग को बाजार मांग वक्र कहते हैं, ठीक है। एक वस्तु के लिए बाजार में जितने भी उपभोक्ता हैं वो सारे उपभोक्ता जब अपना मांग बताते हैं तो उसी को बाजार मांग वक्र कहते हैं, ये भी बात हो गया। नेक्स्ट बात बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों का क्षैतिज योग होता है, इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाजार मांग वक्र क्या होता है, योग होता है, किस चीज़ का, व्यक्तिगत मांग का, कैसा योग, क्षैतिज योग। क्षैतिज योग का सेंस क्या है कि सबको जोड़ते चले जाते हैं, ठीक है। क्षैतिज योग का मतलब समझने का मतलब समझिएगा कि एक ही दिन अगर हम सभी उपभोक्ता की बात करते हैं तो वो क्षैतिज है, नहीं तो हर दिन क्या होता है, उपभोक्ता अलग अलग आते हैं उनका मांग अलग होता है, तो हर दिन के हिसाब से हम नहीं लेंगे ना, क्षैतिज मतलब इक्वल टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही विशेष कीमत पे जब देखा जाए, मतलब एक ही समय पे जब देखा जाता है तो हमारा जो है क्षैतिज योग बनता है, बात क्लियर है। तो क्षैतिज का सेंस यही है, कुल मिला के आपको यही याद रखना कि ये योग होता है कौन, बाजार मांग वक्र, किसका, व्यक्तिगत मांग वक्र का, ठीक है। तो ये हो गया आज की क्लास, हम लोगों ने यहाँ तक समझा कि मांग वक्र क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे मांग के जो है नियम को लेकर के, और मांग का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मांग का नियम जो है एग्जाम में पूछा जाता है, वो जो है शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है ना बात, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आता है। तो अगला क्लास जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बढ़िया से सब लोग देखिएगा, अच्छे तरीके समझिएगा, और उसी के साथ साथ जो है उसमें हम लोग विविध प्रकार के मांग को भी समझेंगे, है ना बात, मांग के बारे में और भी उसमें जो है प्रकार वगैरह है वो समझेंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।